हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियोस में हम ये देखेंगे कि कैसे एनसीईआरटी से को हम एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से रीड करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करा कि इस पर आप वीडियो बनाइए। तो आप जैसा आप जान रहे हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड होगा और एनटीए ने इसका सिलेबस रखा है 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ को। तो ये पॉलिटिकल साइंस की 12th क्लास की एनसीईआरटी है और बहुत आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा होगा। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस क्लास 12th की पार्ट 2 है। तो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम इसमें ये है कि उन्होंने एनसीईआरटी को अभी तक आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से पढ़ा है, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ता है और हम इसे एमसीक्यू बेस्ड पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि हर एक चैप्टर से कितने फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मेरा एक एक ही पर्पज है कि मैं आपको ये सिखा पाऊँ कि एनसीईआरटी को हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जब हम एनसीईआरटी को एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे। बेसिकली हमारा टारगेट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो आपको सब इस ये पहली बार कंडक्ट हो रहा है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर, तो आप सब लोग इसे क्वालिफाई कर पाओ। इसके लिए मेरा एक छोटा सा एफर्ट है कि आप जो एनसीईआरटीज हैं 12th क्लास की, कि उनको एमसीक्यूज को आइडेंटिफाई करो। तो हम यहाँ पर चैप्टर वाइज जाएंगे, हर एक चैप्टर से हम मैक्सिमम जितने हमारे एमसीक्यूज निकल सकते हैं, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल सकते हैं, हम उनको निकालेंगे। तो ये आपकी सेकेंड पार्ट है पॉलिटिकल साइंस की 12th क्लास की एनसीईआरटी है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो पहला चैप्टर है इसका चैलेंजेस ऑफ नेशन मेकिंग। तो लेट्स सी कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो ये है आपका चैप्टर। सी थोड़ा सा आप ध्यान देना और जैसे ही आप ये टेक्निक सीख जाओगे आपके बहुत काम आने वाली है कंपटीशन में। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी यहाँ पर। आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट्स इन पॉलिटिकल साइंस, सो आई थॉट आई एम क्वालिफाइड इनफ टू टीच यू गाइस। पहला हमारा जो है, हमारी पहली ही लाइन से एक एमसीक्यू बनता है जो आपका है 14 to 15 अगस्त 1947। तो ये पूछा जाता है कि इसका आपका हम इसे हाईलाइट कर लेंगे यहाँ से, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। पूछा जाता है कि इंडिया को, एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, दो कि हम सभी जानते हैं। आप सब कहेंगे कि हम आप पढ़ा रहे हो तो हम बच्चे बच्चे को पता है, आई नो इट कि आप सब जानते हो इसे, लेकिन मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि मैं आपको टेक्निक सिखाऊं कि कैसे आप एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज, पैराग्राफ वाइज, एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से आप पढ़ाई करेंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कहाँ से हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो फ्रेम हो सकते हैं, राइट? तो ये आपको हो गया कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, 14 15 अगस्त मिडनाइट की 1947, ठीक है। आपको ये भी पता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंशन है, तो इसमें की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, लेकिन हम थोड़ा बहुत गूगल कर लेंगे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस आपने पहले पढ़ा होगा तो आप अवेयर होंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी लाई गई थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप सीधे यहाँ से आप गूगल जाइए और देखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, सीधे यहाँ पे डालिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक, ओके, पहले ही आपका, ठीक है, कोई भी देख लेते हैं, सिंपल सी इंफॉर्मेशन देख लेंगे। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपको, आपको बहुत सारा तो नहीं जाना है, बट आपको बेसिक देख लेना है कि हाँ, इसको एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसका काम था आपका इसको देखना, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी बहुत सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, ठीक।
ऐसे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहीं पर लिख लेंगे किताब में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप एक स्टेप आगे रहोगे। राइट, नेक्स्ट आ जाओ। इस पैराग्राफ से मुझे कोई क्वेश्चन नहीं लगता है कि जो फ्रेम हो सकता है, कोई ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाओ आप। फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा सा इजी और इंट्रोडक्टरी होता है ना, तो इतने बहुत ज़्यादा फैक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे इसमें। यस, सो हमारे थ्री चैलेंजेस की बात कर रहा है, तो हाँ, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उस टाइम इमीडिएट आपके क्या चैलेंजेस थे उसकी बात कर रहा है। तो फर्स्ट चैलेंजेस वॉज द इमीडिएट चैलेंज वॉज टू शेप अ नेशन, टू शेप अ नेशन, एंड सेकेंड चैलेंज वॉज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, कि सभी को राइट्स एंड ऑल दिए जा सकें। नेक्स्ट आ जाओ। थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट, दिस वर द एंड वेल बींग। ठीक है, हाउ डिड इट, नेक्स्ट आ जाओ, इसमें भी मुझे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन द फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, नेशन बिल्डिंग आपको समझ आया? नेशन बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब, नेशन का क्या मतलब होता है? जो माइंड है, आप एक हार्मनी है, पीस है, स्टेबिलिटी है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, सो आपका रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे आपको पता ही है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जनवरी को। और फर्स्ट रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया गया था आपका? 1950 में। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपका कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है जहाँ से एमसीक्यूज को फॉर्म किया जा सके, है ना? सो पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। सो सभी को पता है कि जो हमारे इंडिया को टू नेशन में डिवाइड किया गया, इंडिया एंड आपका पाकिस्तान, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग को है, तो इससे बेसिक इन्फॉर्मेशन ये देख लेना कि मुस्लिम लीग को कब फॉर्म किया गया, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा इसमें। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन क्यों देखेंगे? तो इसमें सारी आंसर राइटिंग टाइप ऑफ का पैराग्राफ दिया हुआ है, जो आपको इतना कुछ नहीं समझना है। हाँ, इस पैराग्राफ से आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर यस, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये तो पॉपुलरली नोन एज अ फ्रंटियर गांधी। ये एक फैक्ट बनता है कि हु इज द पर्सन जिसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, तो वो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये कहाँ के लीडर थे, किस लोकेशन पे? तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पे। तो ये हो गया आपका एक एमसीक्यू, यहाँ से बन सकता है। ओके, तो अभी नेक्स्ट इस पैराग्राफ में अगर हम देख लें, तो यहाँ पर कोई एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन नहीं लग रहा मुझे। नेक्स्ट आ जाओ आप इस पैराग्राफ में। हाँ, ये मेरा बताने का ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ यही लाइन अंडरलाइन कर लो और पढ़ लें, आपको पूरी बुक पढ़नी है। मैं बस आपको मेन फैक्ट्स हाईलाइट कराऊंगी, जिससे आपको इजी हो जाए कि हाँ हमें क्या मेमोराइज करना है, कहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। राइट, सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, तो 1947 में पार्टीशन हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके मेंस राइटिंग में रहते हैं। कम्युनलिज्म हुआ था, आपको तो ये पता ही है। ओके, नेक्स्ट इस पैराग्राफ में देखते हैं, तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट, हाँ, इस तरीके के बॉक्स को भी आप नहीं छोड़ोगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कुछ ऐसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ आप। यस, सो यस, यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो इस पैराग्राफ में भी कुछ ऐसी खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। आप चाहे तो रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात कर सकते हैं, तो आपका मुस्लिम हो गया और ये रिलीजियस माइनॉरिटीज,
ये हो गए आपके। और नेक्स्ट चलें अगर हम, तो इस पैराग्राफ में भी मुझे कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है। हाँ, फिर गांधी जी के बारे में आ जा रहा है, तो कौन था, एक क्वेश्चन आता है कि 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिले इंडिया को, तो जब सेलिब्रेशन चल रहा था तो गांधी जी नहीं थे वहां पर, उसे पार्टिसिपेट नहीं किया थे, नहीं किया था उन्होंने। और वो जो जो कम्युनल वायलेंस हो रहा था उसको उससे रिलेटेड वो वर्क करने में लगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क लोगों को सेव करने में लगे हुए थे, लोगों को बचाने में। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपका। एंड नेक्स्ट आ जाओ आप। हाँ, तो यहाँ पे गांधी जी की आप जन्म डेट एंड मतलब जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप गूगल करके मेंशन कर लेना एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में। ओके। नेक्स्ट आ जाओ अगर। यस, दिस पैराग्राफ, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में आ जाते हैं। तो प्रिंसली स्टेट आप बेसिकली यहाँ पे आप देख लेना कि ब्रिटिश, ये जो पहली लाइन मेंशन है, ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू दैट वर कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो उस टाइम ब्रिटिश इंडिया को दो उसमें डिवाइड किया था, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो इसके फीचर्स पढ़ लेना आगे कि जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। ऑन द अदर हैंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट रूल्ड बाई प्रिंसेस, जो रूल्ड बाई प्रिंसेस होते थे उनको प्रिंसली स्टेट्स बोला गया था, राइट? सो इन उनको कुछ उन्हें अपने इंटरनल अफेयर में कुछ ऑटोनॉमी मिली हुई थी, पैरा माउंटेसी और ये सब था प्रिंसली स्टेट 1/3 लाने के। ठीक है, तो ये आप एक बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस का क्या फीचर है, और जैसे कि वो किसके कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल में थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और प्रिंसली स्टेट का क्या आपका फीचर है यहाँ पर, ये है रूल्ड बाय प्रिंसेस, राइट? द प्रॉब्लम, सो प्रॉब्लम यहाँ पे, हाँ, ये नंबर दिया हुआ है कि जो ये प्रिंसली स्टेट का नंबर था ऑलमोस्ट इसके 565 के आसपास थे ये प्रिंसली स्टेट, स्मॉल सभी छोटे बड़े सभी को मिलाकर, राइट? नेक्स्ट आ जाओ आप। निजाम, सो ये मैप है आपका, मेंशन है इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन। तो ये आपका वेस्ट पाकिस्तान बना था और ये आपका ईस्ट पाकिस्तान बना था, बाद में ये बांग्लादेश बना था। तो ये देख लेंगे कि बांग्लादेश कब बना था, यहाँ पर डेट लिख लेंगे 1971 लिबरेशन के बाद। ओके, नेक्स्ट चला जाए आपका। ओके, यस, सो इसमें से बहुत सारे, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट ने इंडिया को ज्वाइन किया, और इनमें से कुछ थे जो नहीं ज्वाइन करना चाह रहे थे। तो गवर्नमेंट ने अप्रोच यहाँ पे क्या लिया कि बेसिकली इंडिया को क्या करना था, एक यूनाइटेड इंडिया बनाना था, तो पीस एंड हारमोनी के लिए बहुत ज़रूरी था ये। देख सकते हो कि सौराष्ट्र रीजन का लोकेशन क्या है, तो ये गुजरात है। ओके, सरदार पटेल, ये एक इंफॉर्मेशन है आपकी, सरदार पटेल। ओके, सरदार पटेल आपके, ओके, सरदार पटेल वाज इंडियाज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर। तो ये फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिया के, ये एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है आपका यहाँ पे। और नेक्स्ट अगर आप आ जाएंगे तो ये सबसे बड़ा रोल प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में सरदार पटेल का ही रहा है। तो आगे इन्होंने कुछ मेथड भी अडॉप्ट किए थे जैसे कि जो नहीं हो रहे थे। तो यस, तो एक ये पूछा जाता है कि किस स्टेट ने डॉक्यूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के जो किंग थे हरी सिंह, उन्होंने साइन किया था। तो थ्री प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी,
ये एक्सेशन और प्रिंसली स्टेट, जूनागढ़ कश्मीर एंड मणिपुर। तो ये डिफिकल्टी आ रही थी इनमें। तो जूनागढ़ में आप जो था वहां पे क्या करा लिया गया था, प्लेबिसाइट करा लिया गया था, तो लोगों ने इंडिया ज्वाइन किया। ठीक है, कश्मीर का चैप्टर आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया, इसके थ्रू ज्वाइन किया। अब आते हैं हैदराबाद। अब हैदराबाद को देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी हैदराबाद में, राइट। तो नेक्स्ट यहाँ पर निजाम का था एंड यस। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, अपनी इसको फोर्सफुली बेसिकली इंडिया में शामिल करना पड़ा था। सरदार पटेल वल्लभ भाई का आप यहाँ से ये सब चीजें देख सकते हैं, यहाँ से एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट ओके, ये रजाक वाज द आर्मी ऑफ दी निजाम, ये हो गया, ये वर्ड पूछ सकता है। इतना टफ तो नहीं आएगा बट स्टिल हमें अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, राइट। ये मेरा है, आप प्रिपेयर रहें ताकि कुछ भी क्वेश्चन आए आप उसे सॉल्व करने की पोजीशन में हों। ओके नेक्स्ट आ जाओ मणिपुर। तो महाराजा ऑफ मणिपुर बोध चंद्र सिंह हो सकता है पूछ लेंगे, आप इसको याद रखें। ओके नेक्स्ट आ जाओ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस डिड नॉट कम टू एन एंड विद द पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन। तो आप अभी तक देख रहे हो पार्टीशन हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट आता है, राइट। कि कैसे सबको लिंग्विस्टिक कल्चरल प्लूरलिटी और इन सब बेसिस पे जो डाइवर्सिटी थी इंडिया में उसको किस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया जाए ताकि यूनिटी ऑफ द नेशन बनी रहे विदाउट अफेक्टिंग, आप डाइवर्सिटी भी मेंटेन रखें विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ नेशन। तो ये बेसिक है जो आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो आप ये नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट रिकॉग्नाइज्ड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, राइट। ओके नेक्स्ट आ जाओ, इस पैराग्राफ से देखते हैं कि क्या एमसीक्यू निकलेगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो ये नहीं निकलेगा। सो डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज्ड बाय लोकल लीडर्स एंड द पीपल। तो यहाँ पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसको हाँ वो तेलुगु स्पीकिंग, तो ये ध्यान रखिएगा आप, सेपरेट आंध्र प्रदेश बना था आपका पहली बार ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये थे आपके तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स एरियाज को मिलाकर बनाया गया था आंध्र प्रदेश। तो पहला स्टेट था जो लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट किया गया था। सो इसके बाद इनके आपके पोट्टीश्री मालू इनके लीडर थे जो लीड कर रहे थे आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन के लिए। इसकी डेट पूछता है, राइट, आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1952 में। ये यहाँ से एमसीक्यू बनता है। सो इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव में 1961 का है। तो आप देख रहे हो कुछ ऐसा था। अभी अभी प्रेजेंट में आप में जैसे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना अलग कर दिया गया, आप मध्य प्रदेश देख रहे हो उसमें छत्तीसगढ़ झारखंड ये सब चीजें बना दी गई। अभी जम्मू कश्मीर में लद्दाख और J&K दो बना दिए गए आपके। हिमाचल प्रदेश का ये एरिया कैसे है, इसको फिर रीऑर्गेनाइज किया गया। उत्तर प्रदेश आपका ये एरिया है तो यहाँ इसको उत्तराखंड बनाया गया है ना। कुछ तो इस तरीके से कुछ कुछ चेंजेस किए गए। ओके नेक्स्ट आ जाओ, आंध्र प्रदेश ने क्या किया, फिर आपको और भी स्टेट से डिमांड आने लग गई कि हमें भी लैंग्वेज के बेसिस पे सेपरेट स्टेट बनाया जाए। तो एक कमीशन अपॉइंट किया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। इसकी डेट पूछता है गाइस, प्लीज कीप रिमेम्बर दिस,
कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फिर पास किया गया आपका 1956 में, ये इम्पोर्टेंट है। और इसने आपका सजेस्ट किया था क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट एंड 6 यूनियन, हालांकि इतने बने नहीं थे। तो इनकी इन्होंने फास्ट ऑन टू डेथ किया था, इनकी ये इनकी डेथ हो गई थी इस मोमेंट के दौरान। ये हो गया। इस पैराग्राफ में देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न इन द अर्ली ईयर्स, सेपरेट स्टेट का प्रॉब्लम आ रहा था, फॉस्टर सेपरेटिज्म की प्रॉब्लम को किया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो ये सब तो हमारे आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बट आप रीडिंग जरूर करें इसे। नेक्स्ट आप देखेंगे उसमें भी कोई ऐसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं दी है लिंग्विस्टिक। इसमें देख लेते हैं कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट हमारे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से निकल आए तो ये सारा ही आपका क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। यस, सो इसमें कुछ आपके जो लिंग डिड नॉट मीन हाउ ऑल द स्टेट इन लिंग्विस्टिक, धीरे धीरे सारी चीजें बनने लग गए थे। तो आप यहाँ पे देखो 1960 में कौन से बने, तो आफ्टर द पॉपुलर एग्रीगेशन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड। फिर आप देख लो 1966 में कौन बने, फिर 1972 में मेघालय हो गया आपका, 1987 आपका बनता है अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम के लिए, ओके 1963 आपका इम्पोर्टेंट है नागालैंड स्टेट बनता है, तो नेक्स्ट 2000 में आपका उत्तराखंड बना, झारखंड छत्तीसगढ़ ये सारे बनते हैं, और फिर आपका तेलंगाना फाइनली, ओके। सो ये है, ये हो गया आपका ये। सो आप इनको एक फ्लो चार्ट बना लेना कि इस डेट पे कौन कौन से स्टेट को फॉर्म किया गया है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो होप कि आपको फर्स्ट चैप्टर में ये समझ आया होगा कि हमें का एमसीक्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकेंड चैप्टर। और जैसे इस बुक को करने के बाद ना आपको इतना आइडिया जरूर लग जाएगा, आप ट्रेंड हो जाओगे इस चीज़ में, मास्टर हो जाओगे कि आपको हर एक चैप्टर से कितने एमसीक्यूज निकाल सकते हो। उनका नोट्स बना लेना है आपको, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लिख लेनी है आपको गूगल करके, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए आगे पीछे का, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम ये 9 चैप्टर करेंगे आपके, ताकि आपको एंट्रेंस टेस्ट निकालने में आसानी हो जाए। फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो अभी आइडिया नहीं होगा आपको कि कैसे एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं, कैसे हम एनसीईआरटीज को पढ़ें कि हम एमसीक्यूज कर पाएं जिन्होंने पहले कभी नहीं किया है, कंपटीशन में नहीं बैठे हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। सो होप यू लाइक द टुडेज लेशन सेशन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें, और इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे जिससे कि उन सब लोगों की हेल्प हो पाए जो रूरल एरियाज में हैं, जो जिन्होंने कभी मतलब ज्वाइन नहीं किया है कोई कोचिंग एंड ऑल, उन्होंने एनसीईआरटी, बहुत सारे यूपी बोर्ड के भी बच्चे होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी है, और वो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज जैसे डीयू के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है ऐसे स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाना जो जिन्होंने एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी है, फॉर द फर्स्ट टाइम वो एनसीईआरटी बस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में बैठना है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव है मेरा। होप यू लाइक इट गाइस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज कीप ट्राइंग इन दिस वे। सो सी यू लेटर गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट।